हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे विंड टरबाइन। विंड टरबाइन एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। इसमें फ्री में एनर्जी बनती है जिसमें एयर से बिजली बनाई जाती है। इसका उपयोग करके आप फ्री में बिजली यूज कर सकते हैं। हम जो विंड टरबाइन बनाएंगे उसके लिए आपको जरूरत होगी एक डीसी मोटर की, उसके बाद इस डीसी मोटर के एक पंखे की, उसके बाद आपको एक पीवीसी पाइप की। गाइस, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए इसे बनाते हैं। आगे और भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। गाइस, इसे बनाने के लिए मैं इस मोटर को पीवीसी पाइप में फिट कर दूंगा। अब हमारा विंड टरबाइन तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऐसे ही टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पीवीसी पाइप को जमीन में गाड़ करके इसे टेस्ट करेंगे। गाइस, विंड टरबाइन जो कि विंड मतलब तेज हवा में काम करती है, तो इसके लिए मुझे हवादार जगह ढूंढना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हवादार जगह कहाँ है। इतना ढूंढने के बाद मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखी। अभी मेरे पास ओनली वन ऑप्शन है कि मैं फैन चलाकर इसे टेस्ट कर लूं। तो चलिए इसे फैन चलाकर ही टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमारा विंड टरबाइन अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो
सबसे पहले हम इस विंड टरबाइन से छोटे बल्ब को जलाकर देखेंगे कि ये जलता है कि नहीं। सबसे पहले हम इस छोटे बल्ब को ट्राई करेंगे कि ये जलता है कि नहीं। ये भी जल रहा है, मैं आपको बगल से दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ही तेज धूप है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। और गैस ये जो है जल रहा है, बहुत अच्छी तरह से जल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जितना वोल्ट एनर्जी देता है इसमें ये फ्यूज भी हो सकता है, यानी कि ये खराब भी हो सकता है। तो मैं आपको पहले पास से दिखा देता हूँ कि ये जलता है कि नहीं। गैस आप देख सकते हैं कि ये जल रही है। अब मैं इस विंड टरबाइन से इस बड़े एलईडी को जलाने की कोशिश करता हूँ कि ये जलता है कि नहीं। इसे अगर आप ध्यान से देखिएगा, बगल से देखिएगा, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा बहुत जल रहा है, थोड़ा बहुत। आपको शायद कैमरे में दिखाई भी नहीं दी कि ये कितना जल रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा बहुत जल रहा है। आगे और भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।